हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे जीएम ब्रेवरीज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। आइए जानते हैं कैसे आए हैं, डिविडेंड क्या डिक्लेयर हुआ है और बोनस का रेशो क्या है। जीएम ब्रेवरीज जो कि लगातार तेजी में था तीन चार दिन से, आज वो 5% की गिरावट में क्लोजिंग दिया है। 742 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया, जबकि 52 वीक हाई था 815 रुपीज़। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे। तो मार्च 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 156 करोड़ था। दिसंबर 2023 में रेवेन्यू बढ़कर हुआ 157 करोड़ और अभी मार्च 2024 में रेवेन्यू आया है 160 करोड़। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़कर आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में था 35 करोड़, दिसंबर 2023 में था 23 करोड़ और अभी मार्च 2024 में आया है 87 करोड़। 35 करोड़, 23 करोड़, 87 करोड़, शानदार प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट आप लोगों को मन में सवाल यह होगा कि रिजल्ट इतना शानदार आया तो शेयर फिर गिरा क्यों। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉफिट आया है उसमें 71 करोड़ का अदर इनकम से इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अदर इनकम से प्रॉफिट जनरेट होने के कारण मार्केट को वो ठीक नहीं लगता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले मार्च में 22% था, जो कि अभी इस मार्च में आया है 16%। तो ईयर ऑन ईयर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घटते हुए दिखा है, इसलिए भी मार्केट को वो पसंद नहीं आता है। दूसरा रीज़न गिरने का ये भी था कि बोनस का जो रेशो था, मार्केट को एक्सपेक्टेशन था 1:1, 2:1 ऐसा आएगा, बट बोनस का रेशो आया है 1:4। मतलब अगर आपके पास चार शेयर होंगे तो उस पर आपको एक शेयर बोनस बोल के मिलेगा, फोर शेयर पे वन शेयर मिलेगा, मतलब 40 शेयर्स के 50 शेयर्स हो जाएंगे। तो ये रेशो भी काफ़ी निग्लिजिबल रेशो है, इसके कारण भी मार्केट को थोड़ी निराशा हुई और आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जीएम ब्रेवरीज के शेयर में। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स एक्सेलेंट है, पीई ओनली 9 का है, ईपीएस 83 का है, डेट टू इक्विटी रेशो 0 है, प्रमोटर होल्डिंग भी 74.50% है। तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, बट रिजल्ट से हाई एक्सपेक्टेशन और बोनस का रेशो हाई आने की उम्मीद थी, तो बोनस का रेशो भी थोड़ा सा मेनली तो जो गिरा है आज, बोनस का रेशो 1:4 होने के कारण थोड़ा सा इसमें निराशा हुई मार्केट को और इसमें गिरावट देखने को मिली है। बट फंडामेंटली साउंड है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय किया होगा तो वो हिसाब से अभी आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। क्योंकि मैंने जब ये शेयर दिया था 4-5 दिन पहले, जब वहाँ से ये शेयर 15% की तेज़ी दिखा चुका है, तो अभी भी प्रॉफिट में होंगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, बोनस की रिकॉर्डेड आने के बाद फिर से री एंट्री भी कर सकते हो। तो जीएम ब्रेवरीज के ओवरऑल रिजल्ट तो शानदार आए, बट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो बोनस का रेशो था वो ठीक नहीं आने के कारण इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। दूसरी बात ये भी होता है मार्केट में कि जब मार्केट को एंटिसिपेशन होता है रिजल्ट अच्छा आएगा, तो शेयर पहले ही बहुत ज़्यादा भाग चुका था, तो आज मॉर्निंग में भी 3-4% की तेज़ी रिजल्ट आने के पहले ही आ चुकी थी, तो काफ़ी लोगों ने वहीं प्रॉफिट बुकिंग कर दी, उसके कारण भी आज हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो रिजल्ट के पहले ही लोगों ने इसमें सेलिंग शुरू कर दी और रिजल्ट आने के बाद और भी प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण शेयर गिरा है। थैंक यू फ्रेंड्स।